गिद्ध बिल्ली की चतुराई को नहीं समझ सका और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में चतुर बिल्ली ने गिद्ध, चिड़िया और उसके बच्चों का विश्वास जीत लिया। गिद्ध ने क्या किया, गिद्ध बिल्ली की चतुराई को नहीं समझ पाया और उसने उसकी मीठी मीठी बातों में आकर उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने गिद्ध, चिड़िया और उसके बच्चों का विश्वास जीत लिया और वो वहाँ रहने लगी। फिर बिल्ली ने धीरे धीरे उन बच्चों को एक एक करके खाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों के धीरे धीरे लापता होने पर चिड़िया बहुत उदास रहने लगी। बिल्ली ने फिर क्या किया, धीरे धीरे एक एक करके उन बच्चों को खाना शुरू कर दिया, चिड़िया के सारे बच्चों को खाना शुरू कर दिया एक एक करके, और जिससे चिड़िया को लगने लगा कि उसके बच्चे कहाँ लापता हो गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। उसने अपने बच्चों की तलाश आरंभ की परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। चिड़िया ने अपने बच्चों की तलाश आरंभ की, बहुत जगह उसे ढूंढा उन्हें, लेकिन उसे उनका कहीं पता नहीं चला। इधर बिल्ली ने बहुत चालाकी से कार्य किया। उसने चिड़िया के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के घोंसले के बाहर डाल दी, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। शक में संदेह। चिड़िया ने, बिल्ली ने क्या किया, चिड़िया के बच्चों को खाकर और उनकी हड्डियां कहाँ डाल दी, सारे लोगों की हड्डियां गिद्ध के घोंसले में डाल दी, जिससे कि किसी को भी बिल्ली पर शक ना हो। अपने बच्चों को खोजते खोजते चिड़िया अंत में गिद्ध के घोंसले पर जा पहुंची। वहां गिद्ध के घोंसले के बाहर उसे अपने बच्चों के अवशेष मिल गए। अवशेष मतलब बचा हुआ पार्ट। उसे अपने बच्चों के अवशेष कहाँ मिल गए, गिद्ध के घोंसले में। जब चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची तो उसे वहाँ उसके बच्चों के अवशेष मिले। उसने समझा कि हो ना हो गिद्ध ने ही उसके बच्चों को खाया है। तब उसने अपने सभी मित्र चिड़ियों को बुला लिया। तब उसने क्या किया, अपने सारे मित्र चिड़ियों को बुला लिया, क्योंकि उसको ऐसा शक हो गया था कि ये गिद्ध ने ही मेरे बच्चों को खा लिया है, और उस अंधे गिद्ध पर एक साथ हमला कर उसे चोंचों से मार मार कर ख़त्म कर दिया। उसने क्या किया, एक साथ उन सब चिड़ियों ने गिद्ध पर हमला कर दिया और इसको चोंच मार मार कर ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनको ये शक हो गया था कि इसने चिड़िया के बच्चों को खा लिया है। उधर वह बिल्ली अपनी चालाकी पर खुश होती हुई चुपचाप वहाँ से खिसक गई। उधर वो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली बहुत खुश हो गई अपनी चालाकी पर और वो चुपचाप वहाँ से खिसक गई, वहाँ से चली गई बच करके, क्योंकि उसे लगा कि अब तो गिद्ध फंस गया है और गिद्ध को चिड़िया ने मार दिया है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चली गई। इसीलिए हमको कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए बेटा। जब भी हम कोई ऐसे अनजान व्यक्ति हमसे बोलता है कि अगर हमारे घर आता है और कहता है हम आपको जानते हैं, जब तक हम उसे जानते ना हो, पहचानते ना हो, तब तक उसे घर के अंदर नहीं आने दें। या हमें कहीं बाहर सड़क पे कोई मिलता है और कहता है हम आपको जानते हैं, आप हमारे साथ चलिए, तो आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। अगर किसी को हम नहीं जानते तो उससे आपको बातें नहीं करनी। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी अजनबी पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने इस बिल्ली पर विश्वास किया और इस वजह से इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चिड़िया ने अपने चिड़िया के सारे बच्चे खो दिए। इसीलिए हमें कभी किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम इस पाठ में आए शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ, व्यतीत करना, बिताना, कहीं पर बिताया हुआ समय बिताना, अत्यंत, बहुत ही, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मीन्स प्रण करना, शाखा, टहनी, पेड़ की टहनी होती है उसे शाखा कहा जाता है, मुसीबत, परेशानी, कोई भी परेशानी होती है उसे मुसीबत कहते हैं, शक, संदेह, सहित, साथ, हार्दिक, दिल से, अवशेष, बचा हुआ, अवशेष मीन्स बचा हुआ पार्ट।
सोचिए और बताइए। बेटा आपने अभी पूरी कहानी पढ़ी, इसमें से मैं आपको एक दो प्रश्न पूछती हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया के बच्चों को खाने का विचार किसने किया? किसने किया था चिड़िया के बच्चों को खाने का विचार? चिड़िया के बच्चों को खाने का विचार बिल्ली ने किया था। बिल्ली वहाँ से गुजर रही थी और उसको लालच आया कि वो चिड़िया के बच्चों को खा ले। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े गिद्ध को किसने मार डाला? बूढ़े गिद्ध को सभी चिड़ियों ने मिलकर मार डाला था। चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुला लिया, अपनी फ्रेंड्स को, और उस गिद्ध को मार डाला। इस तरह से गिद्ध ने अगर उस बिल्ली पर भरोसा करके उसको ना रखा होता वहाँ, तो गिद्ध की जान बच जाती। इसी तरह बेटा आज हमारी एक चालाक बिल्ली कहानी ख़त्म होती है, और इससे जो शिक्षा आपको मिली है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।